पूरा मामला थाना शाही के अंतर्गत आता है, जहां कुछ दबंगों द्वारा मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस घटना का पता चलते ही करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने अपने दल बल के साथ मौके पर जाकर पता किया। निरीक्षण में ये पता लगा कि वहीं के प्रधान जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके द्वारा मंदिर की भूमि और मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत महंत ने शासन व प्रशासन से की तो उन्हें मारा पीटा गया, धमकाया गया, परंतु उनकी कोई भी बात किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। जब करनी सेना की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने तुरंत थाना प्रभारी से बात कर उनसे कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, अन्यथा करनी सेना का आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। वहीं इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आज करनी सेना की टीम जो है थाना सहाई अंतर्गत गांव पड़ता है ज्वालापुर, ज्वालापुर में एक प्राचीन मंदिर बहुत साल पुराना बनाया हुआ है, जिसके महंत जो हैं हमारे साथ में हैं, महात्मा जी हैं। इनका कहना साफ तौर पे है कि गांव के प्रधान द्वारा इस मंदिर पर लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब इसका इनने विरोध किया तो इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं। तो लिखित रूप में एक शिकायती पत्र शासन व प्रशासन को दिया गया, परंतु खराब सिस्टम होने के कारण अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।